गुरुवार को रांची सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक मौलाना डॉक्टर ताजुद्दीन रिजवी की अध्यक्षता में हिंदपीढ़ी स्थित इस्लामी मरकज में हुई। बैठक में जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर चर्चा की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस साल जश्न ईद मिलादुन नबी पूरे एहतमाम के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा और इसी सिलसिले में 10 सितंबर को एक आवामी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सभी मदरसे इदारे जुलूस निकालने वाले सभी तंजीमों को आने की बात कही गई है। यह मीटिंग 10 सितंबर रविवार को रांची के हिंदपीढ़ी इस्लामी मरकज में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। बता दें कि रांची में कई कारणों की वजह से पिछले 4 सालों से जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकला है। खुसूसी मीटिंग उस खुसूसी अहदेदारों के साथ डॉक्टर मौलाना ताजुद्दीन साहब सदर सुन्नी बरेली सेंट्रल कमेटी के सदारत में हुई, जिसमें मुतफ़ा तौर पर फैसला लिया गया कि इस साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे एहतमाम के साथ पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। उस सिलसिले में मुरखा 10 सितंबर को एक आवामी मीटिंग, जिसमें सभी मदरसे पंचायत इदारे जुलूस निकालने वाले तमाम तंजीम और इदारों को उसमें मदू किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर यह मीटिंग ईसाई मकसद में इंशाअल्लाह 10 बजे दिन से 10 तारीख को होगी। और इस सिलसिले में एक क्या कहते हैं हमारी जो कमेटी है वो एक दूसरे से रابطہ कायम करके और इस को मीटिंग को कामयाब करेगी और इंशाअल्लाह ताला इस साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस पूरे धूमधाम से निकाला जाएगा। पिछले 4 सालों से कुछ ना कुछ मामलात होते रहे जिससे जुलूस नहीं निकला, जिसका हम सबको बहुत ही अफसोस है, मलाल है, लेकिन इस बार कोई ऐसे मामले नहीं हैं और अभी तक सारे मामले बेहतर हैं। इसलिए हम लोगों ने आज ही से ही इसकी तैयारी में लग गए हैं और आवाम जो जुलूस निकालती है उनके तमाम पंचायत इदारे और मस्जिदों खानकाहों मदरसों से भी हम लोग गुजारिश करना चाहेंगे कि आज ही से आप तमाम लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की तैयारी के सिलसिले में जुट जाएं और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला 10 सितंबर को बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें मुतफ़ा तौर पर सारे फैसले लिए जाएंगे कि कैसे कैसे जुलूस किस किस तरीके से निकाला जाएगा।